हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 8 का फुल ट्यूटोरियल। अगर आप एंगुलर में अपना सफल करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए साउथ सॉफ्ट के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, क्योंकि हमने तैयार किया है एक कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पर आपको मिलती है कॉर्पोरेट लेवल की नॉलेज, साथ ही साथ में आप काम करते हैं रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे। तो आज ही ज्वाइन कीजिए साउथ सॉफ्ट के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने बूटस्ट्रैप के बारे में देखा कि बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन को बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट कर लीजिए इस सीरीज के पिछले वीडियो को। और दोस्तों, आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि फॉर्म्स क्या होता है। दोस्तों, फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बना हो, राइट? तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि एंगुलर के अंदर कैसे हम फॉर्म यूज करते हैं और कितने टाइप का फॉर्म्स होता है। इन सारे चीजों को हम डिटेल्स में इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकॉन क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो फॉर्म्स होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। मीन्स कि हम किसी भी अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो विदाउट फॉर्म हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि हम कोई भी रिक्वेस्ट लेना हो, लॉगिन करना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो, सबमिशन करना हो, या कोई फ्लाइट बुकिंग का हो, ऑर्डर प्लेस करना हो, किसी भी तरह का अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ये सारे चीजें जो आपको कराना है वो फॉर्म पर ही कराते हैं। या तो आप यूजर से डेटा लेते हैं या फिर यूजर को डेटा शो कराते हैं, वो सारे फॉर्म के हेल्प से ही करते हैं, राइट? मीन्स कि आपके पास कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आपको लॉगिन कराना है तो लॉगिन के लिए आप फॉर्म क्रिएट करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म क्रिएट करेंगे, कोई फ्लाइट बुक करना है तो भी आप फॉर्म पे ही बुक करते हैं। मीन्स कि एक फॉर्म के अंदर ही सारे कंट्रोल्स रख के हम अपने एप्लीकेशन को पेजेज क्रिएट करते हैं, राइट? तो उसी चीज की डिटेल्स में हम देखेंगे, उसी चीज को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में, कि एंगुलर 7 के अंदर कितने टाइप के फॉर्म्स होते हैं और कैसे बनाते हैं, राइट? और क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है किसी भी फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए, राइट? तो दोस्तों, एंगुलर फॉर्म्स में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी फॉर्म हमें डेवलप करना हो तो हमें डिजाइन स्किल्स आना चाहिए, राइट? आपको आना चाहिए कि हम किस तरीके से टू वे डेटा बाइंडिंग कर सकें, या ट्रैकिंग चेंज करना हो, वैलिडेशन हो, एरर हैंडलिंग करने आना चाहिए। मींस कि सारी चीजें आपको आनी। तो दोस्तों, इंग्लिश में दो तरह के फॉर्म्स होते हैं जिससे हम यूजर के डेटा को कलेक्ट या वैलिडेट कर सकते हैं, राइट? एक तो होता है दोस्तों टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म्स, और अगला होता है मॉडल ड्राइवन फॉर्म्स, राइट? तो दोस्तों, जिसको हम रिएक्टिव फॉर्म्स बोलते हैं, राइट? रिएक्ट दोस्तों, आपको इंटरव्यू में बहुत जनरल क्वेश्चन होता है ये कि रिएक्टिव फॉर्म्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्यों रिएक्टिव फॉर्म्स बोलते हैं, कितने टाइप का फॉर्म्स होता है एंगुलर में, तो ये सारी चीजें आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और आपको एज ए डेवलपर भी जानने की जरूरत होती है कि फॉर्म्स कितने टाइप का होता है और दोनों फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। इन सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा फॉर्म हमें कब यूज करना चाहिए, राइट? तो दोस्तों, अब बात करते हैं टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म्स की, राइट? कि टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म्स क्या होता है, इसको हम टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म्स के बोलते हैं। तो दोस्तों, टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म्स एक सिंपल फॉर्म्स है जिससे हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, जैसे लॉग इन का, रजिस्ट्रेशन का, कोई फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि दोस्तों, जो भी वर्क हम करते हैं अपने टेम्पलेट में ही कर लेते हैं, जो कि कंपोनेंट जो टेम्पलेट होता है उसी में हम सारा वर्क कर लेते हैं, राइट? तो मीन्स कि सब कुछ आपके टेम्पलेट पर ही होता है, इसलिए हम टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म बोलते हैं इसको, राइट? दोस्तों, इसमें यह प्रॉब्लम आता है कि हम छोटे लेवल पर काम कर लेते हैं इजिली, लेकिन बड़ा फॉर्म्स क्रिएट करना हो जिसमें बहुत सारे कंट्रोल हो, बहुत सारे वैलिडेशन हो, बहुत सारा वर्क हो रहा हो, बहुत कैलकुलेशन हो किसी भी फॉर्म पर, तो हम टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म को रिकमेंड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इस चीज को हैंडल करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट? तो दोस्तों, इसके लिए आपको ये देखना है कि क्या क्या इसके लिए जरूरत है। तो वी नीड टू इम्पोर्ट फॉर्म मॉड्यूल इन एंगुलर मॉड्यूल फाइल, राइट? मीन्स कि हमें दोस्तों क्या करना होता है कि हमें इम्पोर्ट करना होता है फॉर्म मॉड्यूल को इन एप्लीकेशन मॉड्यूल फाइल में, राइट? मीन्स कि जो आपके मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल होता है, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल, उसमें हम फॉर्म मॉड्यूल को
इंपोर्ट करते हैं, यही ये आपका रिक्वायरमेंट है, तभी आप टेम्पर्ड ड्राइवन फॉर्म को यूज कर पाएंगे इजिली अपने एप्लीकेशन में, राइट। तो दोस्तों इसे क्या क्या फीचर हैं, इजी टू यूज, दोस्तों सिंपल सी बात है कि ये इजी होता है क्योंकि जो भी हम और करते हैं अपने टेम्पलेट पर ही कर लेते हैं, सब कुछ एक ही जगह करना होता है, इजी हो जाता है। सुटेबल फॉर सिंपल सिनेरियो एंड फेल्स फॉर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, राइट। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये छोटे सिनेरियोज के लिए सुटेबल है, बट जैसे ही कॉम्प्लेक्स वर्क होता है वहां पर ये फेल कर जाता है, क्योंकि उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, जो कि अगर आप एक ही पेज पर सारे वर्क कर दीजिए टेम्पलेट में ही, तो वहां पर ये फेल कर जाएगा क्योंकि उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे इजिली। ये एंगुलर 1.0 से सिमिलर है, जहाँ पर हम एंगुलर 1.0 में जो कि एंगुलर जेस है, जिस पर जावास्क्रिप्ट पेज होता था उस पर हम करते थे वर्क, तो उससे सिमिलर है, राइट। यहाँ पर दोस्तों टू वे डेटा बाइंडिंग हम यूज कर लेते हैं इजिली, राइट। दोस्तों जो कि एनजी मॉड्यूल को हम ब्रैकेट पढ़ते थे, इसके अंदर फिर ब्रैकेट रखते थे, इसको यूज करके हम टू वे डेटा बाइंडिंग कर लेते हैं। ये आप को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी इसी सीरीज में एक वीडियो है टू वे डेटा बाइंडिंग, उसको देख लीजिए, आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टू वे डेटा बाइंडिंग कैसे यूज करते हैं, राइट। इसमें कंपोनेंट पर बहुत ही कम कोड होता है, राइट। और यूनिट टेस्टिंग इसके लिए चैलेंजेज हो जाता है कि यूनिट टेस्टिंग करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ये ऑटोमेटिक ट्रैक करता है हमारे डेटा को, राइट। आगे हम देखते हैं कि मॉडल ड्राइवन फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स, राइट। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होता है, इसी को हम मोस्टली और वाइडली यूज करते हैं एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, तो इसको आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि आज का जो वीडियो है इसमें हम इंफॉर्मेशन जो कि थ्योरेटिकल पार्ट आपको बता रहे हैं कि फॉर्म क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन सा फॉर्म का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बट इसके बाद जो वीडियो जाएंगे उसमें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे एक एक फॉर्म्स का, उसमें वैलिडेशन बनाएंगे, कंट्रोल्स लेंगे, वैलिडेशन बना लगाएंगे, उसमें सबमिट करेंगे फॉर्म्स, मीन्स कि बहुत सारे एडवांस लेवल की बातें करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में, राइट। तो दोस्तों देखते हैं मॉडल ड्राइवन फॉर्म्स, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स, राइट। तो दोस्तों मॉडल ड्राइवन फॉर्म में हम वर्क जो करते हैं कंपोनेंट लेवल पर करते हैं, उसमें क्या होता है टीएस फाइल में हम मॉडल क्रिएट करते हैं जो कि हमारे यूजर की इंट्रैक्शन और वैलिडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम मॉडल क्रिएट करते हैं किसकी हेल्प से, कि हम क्लास यूज करते हैं जो कि बिल्ट इन क्लास होता है फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल, ये बिल्ट इन क्लास है, इसको यूज करके हम मॉडल क्रिएट करते हैं टीएस फाइल पर। उसके बाद मॉडल को हम एचटीएल फॉर्म एचटीएमएल फॉर्म में बाइंड कर देते हैं, राइट। तो दोस्तों इसके लिए क्या क्या जरूरत है, आपको इसके लिए क्या करना होगा कि रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को, राइट, दोस्तों जो यहाँ पर आपको दिख रहा है रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, इसको आपको एप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में इंपोर्ट करना होगा, राइट। दोस्तों उसमें हम क्या फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करते थे टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म में, इसमें हम रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं एप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में, राइट। और इसकी क्या क्या फीचर है दोस्तों, कि मोर फ्लेक्सिबल एंड बट नीड्स टू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट। मीन्स कि दोस्तों यहाँ पर आपको ये बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, बट आपको इसके यूज करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत होगी, राइट। और ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को हैंडल कर लेता है, मीन्स कि आप जब भी बड़े एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आप वहां पर मॉडल ड्राइवन फॉर्म ही यूज करेंगे, राइट। तो इसलिए ये मॉडल ड्राइवन फॉर्म, जिसे हम रिएक्टिव फॉर्म्स बोलते हैं, इसको हम वाइडली यूज करते हैं, मोस्टली यही यूज होता है एंगुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, इसलिए आपको इंटरव्यू में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन भी पुटअप किए जाएंगे कि रिएक्टिव फॉर्म्स रिलेटेड, कि इसमें वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, कौन सा फॉर्म ग्रुप क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल क्या होता है, इसमें वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, सबमिट बटन पर हम कैसे कॉल करते हैं, इन सारे चीजों का जो इस सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, इन सबका आंसर हमारे वीडियोज में मिलेगा, आगे जो वीडियो आएंगे उसमें सबका आंसर आपको मिल जाएगा एक एक करके, और सबका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे आगे, राइट। अगला बात है दोस्तों कि ये क्या होता है दोस्तों, कि मोर कंपोनेंट कोड होता है, मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा हम कोड जो करते हैं दोस्तों कंपोनेंट पर करते हैं, और बहुत ही कम कोड हम करते हैं एचटीएमएल मार्कअप में, राइट। तो इसलिए हम ये क्या करते हैं दोस्तों, कि इसको हम बोलते हैं कि रिएक्टिव फॉर्म्स, मीन्स कि यहाँ पर टेम्पलेट पर बहुत ही कम वर्क होता है, हम ज्यादा से ज्यादा कम कंपोनेंट पर करते हैं, राइट। और दोस्तों हम डायनेमिकली इसमें कोई भी एलिमेंट इजिली ऐड कर लेते हैं, मीन्स कि बहुत जो भी डायनेमिक वर्क होता है दोस्तों हम इसमें इजिली कर लेते हैं, और
इसमें टेस्टिंग भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सेपरेट हो जाता है, कोडिंग सेपरेट पार्ट हो जाता है, एचटीएमएल जो एलिमेंट होते हैं टेम्पलेट पर चले जाते हैं, कोडिंग के पार्ट हमारा कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पर हम इजीली टेस्टिंग कर लेते हैं, डायनेमिकली कुछ भी ऐड करना होता है, कोई भी एलिमेंट ऐड करना होता है तो हम इजीली कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, ऐड करके भी दिखाऊंगा आपको, राइट दोस्तों। फिर आगे बात आती है कि विच वन इज बेटर, मीन्स कि टेम्पलेट ड्राइवन और रिएक्टिव में दोनों बेटर कौन है। तो दोस्तों आप इस दोनों में से किसी को बेटर नहीं बोल सकते हैं, ना ही किसी को गुड बोल सकते हैं। दोस्तों दोनों अपने आप में सही है, आप जिसको यूज करना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं, एज ए सिनारियो एज ए रिक्वायरमेंट दोनों अपने आप में सही है। छोटे लेवल पर आप रिएक्टिव यूज कर सकते हैं, छोटे लेवल पर आप टेम्पलेट ड्राइवर यूज कर सकते हैं, बड़े लेवल पर आप रिएक्टिव यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मीन्स कि थ्रेटिकल पार्ट देखा फॉर्म्स का, और आगे जो वीडियो आएगा दोस्तों उसमें प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब हमें कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए, राइट। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज में उस कन्फ्यूजन को हम दूर कर सकें, राइट। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 8 का फुल ट्यूटोरियल। दोस्तों जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने बूट स्ट्रैप के बारे में देखा कि बूट स्ट्रैप कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन को बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न बना सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट कर लीजिए इस सीरीज के पिछले वीडियो को। और दोस्तों आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि फॉर्म्स क्या होता है। दोस्तों फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बना हो, राइट। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि एंगुलर के अंदर कैसे हम फॉर्म यूज करते हैं और कितने टाइप का फॉर्म्स होता है, इन सारे चीज़ों को हम डिटेल्स में इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकॉन क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो फॉर्म्स होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, मीन्स कि हम किसी भी अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो विदाउट फॉर्म हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि हम कोई भी रिक्वेस्ट लेना हो, लॉगिन करना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो, सबमिशन करना हो, या कोई फ्लाइट बुकिंग का हो, ऑर्डर प्लेस करना हो, किसी भी तरह का अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ये सारे चीज़ें जो आपको कराना है वो फॉर्म पर ही कराते हैं, या तो आप यूजर से डेटा लेते हैं या फिर यूजर को डेटा शो कराते हैं, वो सारे फॉर्म के हेल्प से ही करते हैं, राइट। मीन्स कि आपके पास कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आपको लॉगिन कराना है तो लॉगिन के लिए आप फॉर्म क्रिएट करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म क्रिएट करेंगे, कोई फ्लाइट बुक करना है तो वो भी आप फॉर्म पे ही बुक करते हैं। मीन्स कि एक फॉर्म के अंदर ही सारे कंट्रोल्स रख के हम अपने एप्लीकेशन को पेजेज क्रिएट करते हैं, राइट। तो उसी चीज की डिटेल्स में हम देखेंगे, उसी चीज को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में, कि एंगुलर 7 के अंदर कितने टाइप के फॉर्म्स होते हैं और कैसे बनाते हैं, राइट, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है किसी भी फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए, राइट। तो दोस्तों एंगुलर फॉर्म्स में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी फॉर्म हमें डेवलप करना हो तो हमें डिजाइन स्किल्स आना चाहिए, राइट। आपको आना चाहिए कि हम किस तरीके से टू वे डेटा बाइंडिंग कर सकें, या ट्रैकिंग चेंज करना हो, वैलिडेशन हो, एरर हैंडलिंग करने आना चाहिए, मीन्स कि सारी चीजें आपको आनी। तो दोस्तों इंग्लिश में दो तरह के फॉर्म्स होते हैं जिसे हम यूजर के डेटा को कलेक्ट या वैलिडेट कर सकते हैं, राइट। एक तो होता है दोस्तों टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म्स, और अगला होता है मॉडल ड्राइवन फॉर्म्स, राइट। तो दोस्तों जिसको हम रिएक्टिव फॉर्म्स बोलते हैं, राइट। रिएक्ट दोस्तों आपको इंटरव्यू में बहुत जनरल क्वेश्चन होता है ये कि रिएक्टिव फॉर्म्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्यों रिएक्टिव फॉर्म्स बोलते हैं, कितने टाइप का फॉर्म्स होता है एंगुलर में, तो ये सारी चीजें आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और आपको एज ए डेवलपर भी जानने की जरूरत होती है कि फॉर्म्स कितने टाइप का होता है और दोनों फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। इन सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा फॉर्म हमें कब यूज करना चाहिए, राइट। तो दोस्तों अब बात करते हैं टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म्स की, राइट, कि टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म्स
क्या होता है, इसको हम टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म्स के बोलते हैं। तो दोस्तों टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म्स एक सिंपल फॉर्म्स है जिससे हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, जैसे लॉगिन का, रजिस्ट्रेशन का, कोई फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि दोस्तों जो भी वर्क हम करते हैं अपने टेम्पलेट में ही कर लेते हैं, जो कि कंपोनेंट में जो टेम्पलेट होता है उसी में हम सारा वर्क कर लेते हैं, राइट। तो मीन्स कि सब कुछ आपके टेम्पलेट पर ही होता है, इसलिए हम टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म बोलते हैं इसको, राइट। दोस्तों इसमें यह प्रॉब्लम आता है कि हम छोटे लेवल पर काम कर लेते हैं इजिली, लेकिन बड़ा फॉर्म्स क्रिएट करना हो जिसमें बहुत सारे कंट्रोल हो, बहुत सारे वैलिडेशन हो, बहुत सारा वर्क हो रहा हो, बहुत कैलकुलेशन हो किसी भी फॉर्म पर, तो हम टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म को रिकमेंड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इस चीज को हैंडल करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये देखना है कि क्या क्या इसके लिए जरूरत है। तो वी नीड टू इम्पोर्ट फॉर्म मॉड्यूल इन एंगुलर मॉड्यूल फाइल, राइट। मीन्स कि हमें दोस्तों क्या करना होता है कि हमें इम्पोर्ट करना होता है फॉर्म मॉड्यूल को इन एप्लीकेशन मॉड्यूल फाइल में, राइट। मीन्स कि जो आपके मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल होता है, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल, उसमें हम फॉर्म मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं। यही ये आपका रिक्वायरमेंट है, तभी आप टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म को यूज कर पाएंगे इजिली अपने एप्लीकेशन में, राइट। तो दोस्तों इसे क्या क्या फीचर हैं, इजी टू यूज। दोस्तों सिंपल सी बात है कि ये इजी होता है क्योंकि जो भी हम वर्क करते हैं अपने टेम्पलेट पर ही कर लेते हैं, सब कुछ एक ही जगह करना होता है, इजी हो जाता है। सुटेबल फॉर सिंपल सिनेरियो एंड फेल्स फॉर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, राइट। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये छोटे सिनेरियोज के लिए सुटेबल है, बट जैसे ही कॉम्प्लेक्स वर्क होता है वहां पर ये फेल कर जाता है, क्योंकि उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जो कि अगर आप एक ही पेज पर सारे वर्क कर दीजिए टेम्पलेट में ही, तो वहां पर ये फेल कर जाएगा क्योंकि उसका आप मैनेज नहीं कर पाएंगे इजिली। ये एंगुलर 1.0 से सिमिलर है, जहाँ पर हम एंगुलर 1.0 में जो कि एंगुलर जेस है जिस पर जावास्क्रिप्ट पेज होता था उस पर हम करते थे वर्क, तो उससे सिमिलर है, राइट। यहाँ पर दोस्तों टू वे डेटा बाइंडिंग हम यूज कर लेते हैं इजिली, राइट। दोस्तों जो कि एन जी मॉड्यूल को हम ब्रैकेट रहते थे, इसके अंदर फिर ब्रैकेट रखते थे, इसको यूज करके हम टू वे डेटा बाइंडिंग कर लेते हैं। ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी इसी सीरीज में एक वीडियो है टू वे डेटा बाइंडिंग, उसको देख लीजिए, आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टू डेटा बाइंडिंग कैसे यूज करते हैं, राइट। इसमें कंपोनेंट पर बहुत ही कम कोड होता है, राइट। और यूनिट टेस्टिंग इसके लिए चैलेंजेज हो जाता है कि यूनिट टेस्टिंग करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ये ऑटोमेटिक ट्रैक करता है हमारे डेटा को, राइट। आगे हम देखते हैं कि मॉड्यूल ड्राइविंग फॉर्म जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स, राइट। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म्स होता है, इसी को हम मोस्टली और वाइडली यूज करते हैं एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, तो इसको आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि आज का जो वीडियो है इसमें हम इंफॉर्मेशन जो कि थ्योरेटिकल पार्ट आपको बता रहे हैं कि फॉर्म क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन सा फॉर्म का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बट इसके बाद जो वीडियो जाएंगे उसमें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे एक एक फॉर्म्स का, उसमें वैलिडेशन बनाएंगे, कंट्रोल्स लेंगे, वैलिडेशन बना लगाएंगे, उसमें सबमिट करेंगे फॉर्म्स, मीन्स कि बहुत सारे एडवांस लेवल की बातें करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में, राइट। तो दोस्तों देखते हैं मॉडल ड्राइवन फॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स, राइट। तो दोस्तों मॉडल ड्राइवन फॉर्म में हम वर्क जो करते हैं कंपोनेंट लेवल पर करते हैं, उसमें क्या होता है टीएस फाइल में हम मॉडल क्रिएट करते हैं जो कि हमारे यूजर की इंट्रैक्शन और वैलिडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम मॉडल क्रिएट करते हैं किसकी हेल्प से, कि हम क्लास यूज करते हैं जो कि बिल्ट इन क्लास होता है फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल, ये बिल्ट इन क्लास है, इसको यूज करके हम मॉडल क्रिएट करते हैं टीएस फाइल पर। उसके बाद मॉडल को हम एचटीएल फॉर्म एचटीएमएल फॉर्म में बाइंड कर देते हैं, राइट। तो दोस्तों इसके लिए क्या क्या जरूरत है, आपको इसके लिए क्या करना होगा कि रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को, राइट। दोस्तों जो यहाँ पर आपको दिख रहा है रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, इसको आपको ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में इंपोर्ट करना होगा, राइट। दोस्तों उसमें हम क्या फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करते थे टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म में, इसमें हम रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में, राइट। और इसकी क्या क्या फीचर है दोस्तों, कि मोर फ्लेक्सिबल एंड बट नीड्स टू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट। मीन्स कि दोस्तों यहाँ पर आपको ये बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, बट आपको इसके यूज करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत होगी, राइट। और ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को हैंडल कर लेता है, मीन्स कि आप जब भी बड़े एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आप वहां पर मॉडल ड्राइवन फॉर्म ही यूज करेंगे,
राइट तो इसलिए ये मॉडल ड्राइवन फॉर्म जिसे हम रिएक्टिव फॉर्म्स बोलते हैं, इसको हम वाइडली यूज करते हैं। मोस्टली यही यूज होता है एंगुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। इसलिए आपको इंटरव्यू में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन भी पुट अप किए जाएंगे कि रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड, कि इसमें वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, कौन सा फॉर्म ग्रुप क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल क्या होता है, इसमें वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, सबमिट बटन पर हम कैसे कॉल करते हैं, इन सारे चीज़ों का जो इस सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, इन सबका आंसर हमारे वीडियोज में मिलेगा। आगे जो वीडियो आएंगे उसमें सबका आंसर आपको मिल जाएगा एक एक करके, और सबका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे आगे। राइट, अगला बात है दोस्तों कि ये क्या होता है दोस्तों कि मोर कंपोनेंट कोड होता है, मींस कि ज्यादा से ज्यादा हम कोड जो करते हैं दोस्तों कंपोनेंट पर करते हैं, और बहुत ही कम कोड हम करते हैं HTML मार्कअप में। राइट, तो इसलिए हम ये क्या करते हैं दोस्तों कि इसको हम बोलते हैं कि रिएक्टिव फॉर्म्स, मींस कि यहाँ पर टेम्पलेट पर बहुत ही कम वर्क होता है, हम ज्यादा से ज्यादा कम कंपोनेंट पर करते हैं। राइट, और दोस्तों हम डायनेमिकली इसमें कोई भी एलिमेंट इजिली ऐड कर लेते हैं, मींस कि बहुत जो भी डायनेमिक वर्क होता है दोस्तों हम इसमें इजिली कर लेते हैं, और इसमें टेस्टिंग भी बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सेपरेट हो जाता है, कोडिंग सेपरेट पार्ट हो जाता है, HTML जो एलिमेंट होते हैं टेम्पलेट पर चले जाते हैं, कोडिंग के पार्ट हमारा कंपोनेंट पर होता है, तो यहाँ पर हम इजीली टेस्टिंग कर लेते हैं, डायनेमिकली कुछ भी ऐड करना होता है, कोई भी एलिमेंट ऐड करना होता है तो हम इजीली कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, ऐड करके भी दिखाऊंगा आपको। राइट दोस्तों, फिर आगे बात आती है कि विच वन इज बेटर, मीन्स कि टेम्पलेट ड्राइवन और रिएक्टिव में दोनों बेटर कौन है, तो दोस्तों आप इस दोनों में से किसी को बेटर नहीं बोल सकते हैं, ना ही किसी को गुड बोल सकते हैं दोस्तों, दोनों अपने आप में सही है, आप जिसको यूज करना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं, एज ए सिनारियो एज ए रिक्वायरमेंट दोनों अपने आप में सही है। छोटे लेवल पर आप रिएक्टिव यूज कर सकते हैं, छोटे लेवल पर आप टेम्पलेट ड्राइवन यूज कर सकते हैं, बड़े लेवल पर आप रिएक्टिव यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ने मीन्स की थ्रेटिकल पार्ट देखा फॉर्म्स का, और आगे जो वीडियो आएगा दोस्तों उसमें प्रैक्टिकल करेंगे। राइट, तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब हमें कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए। राइट, फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज में उस कंफ्यूजन को हम दूर कर सकें। राइट, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।